नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुजिता। आइए रुक करते हैं हमारी खास खबर की ओर। एक देश एक चुनाव की सोच काफी पुरानी है। अब की बार इस विचार को दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नरेंद्र मोदी द्वारा आगे बढ़ाया गया है। इस बाबत उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों से भी राय शुमारी किए जाने की मंशा जाहिर की है। संभवतः यह विचार भारत देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि यहाँ हमेशा कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है, लेकिन विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के दौर सर्वाधिक गहमी एवं तनाव के लिए हुए रहते हैं। अतः अभी वार्ता और विचार विमर्श का विषय केवल विधानसभाओं और लोकसभा के आम चुनावों का ही है। मोदी चाहते हैं कि इन सभी चुनावों को एक साथ करा लिया जाए। वही क्यों ऐसे बहुत सारे नेता और विचारक देश में मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि एक देश एक चुनाव के विचार को साकार रूप प्रदान किया जाना चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं। मसलन बार बार के चुनावी प्रबंधन से पुलिस प्रशासन सहित सरकार के विभिन्न विभागों के रोज रोज के विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। एक कारण और यह भी है कि इन अलग अलग चुनावी कवायदों पर बहुत सारा धन देश के खजाने से बर्बाद होता है। उसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था को विचलित भले ना करता हो लेकिन डगमगाता जरूर है। यही वजह है कि मोदी से पहले एक बार चुनाव आयोग, दूसरी बार विधि आयोग और तीसरी बार भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी एक देश एक चुनाव की सोच को विभिन्न मंचों पर साझा कर रहे हैं। यह बात और है कि इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई ही नहीं, फलस्वरूप एक राय स्थापित होना भी द्विस्वप्न बना रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात बहुत साफ है, वे या तो किसी काम को हाथ में लेते नहीं हैं, लेकिन जब ले लेते हैं तो फिर उसे अंजाम तक पहुंचाने का ईमानदार प्रयास अवश्य करते हैं। यही वजह है कि उनके अब तक जितने भी फैसले गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते रहे हों या देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से, सबके सब स्पष्ट और बगैर हिचकिचाहट वाले रहे हैं। जब उन्होंने एक देश एक चुनाव का मुद्दा हाथ में लिया है तो स्पष्ट है कि बात दूर तक जाएगी, लेकिन इस बाबत एक राय जब बनेगी तब बनेगी। फिलहाल यह देखना भी होगा, एक देश एक चुनाव को लेकर विसंगतियां भी कम नहीं हैं। मसलन 5 साल पूर्ण होने से पहले ही यदि किसी प्रदेश की सरकार किसी कारणवश गिर जाती है अथवा केंद्र द्वारा गिरा दी जाती है तो फिर प्रदेश में सत्ता संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? क्या वहां शेष कार्यालय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा अथवा शक्ति प्रशिक्षण के नए नियम निर्धारित कर सत्ता के स्थापना को निरंतर बनाए रखा जा सकेगा? यही बात केंद्र सरकार के स्थायित्व को लेकर भी सोची जा सकती है। मान लो यदि भविष्य में कभी केंद्र की सरकार किसी कारणवश अनिश्चितता की चपेट में आती है तो फिर उस अवस्था में चुनाव आयोग, विधि आयोग अथवा राष्ट्रपति भवन कौन सा रास्ता अख्तियार करने वाला है? खासकर ये राजनैतिक अनिश्चितता के सवाल इसलिए भी भारी है क्योंकि हमारे देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली प्रचलन में है। कभी केंद्र में तो कभी किसी प्रदेश में अल्पमत की सरकारें बनती रहती हैं जिन्हें एक से अधिक छोटे व स्थानीय दलों द्वारा समर्थन मिलता और टूटता रहता है। ऐसे में सरकार भी बनती बिगड़ती रहती है। ताजा उदाहरण के लिए कर्नाटक में रुक रुक कर चलते रहने वाले राजनीतिक नाटकों को मिसाल के रूप में रखा जा सकता है, जिसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति किसी कारणवश नहीं हो पाती है। वहीं विधायक सरकार गिराने की धमकी देने लगता है। ऐसे हाल पूर्व में कम से कम मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान तो उत्पन्न हो ही चुके हैं। फलस्वरूप कभी 13 दिन, कभी 13 महीने, कभी 6 महीने तो कभी 2-2.5 साल के अंतराल से सरकारें बनती बिगड़ती रहीं। एक साल तो इतनी अल्पमत और अल्प समय की सिद्ध हुई थी, उसके प्रधानमंत्री अपने पद के साथ संसद तक में नहीं पहुंच पाए। इस बीच सरकार धराशायी हो गई। लिखने का आशय है कि वर्तमान में देश के पास पूर्ण बहुमत की बेहद मजबूत सरकार है, लेकिन राजनीतिक तस्वीर सदैव इसी प्रकार सुस्पष्ट बनी रहेगी, ऐसा दावा कतई नहीं किया जा सकता। हाँ, एक सूरत में राजनीतिक स्थिरता की सुनिश्चितता मानी जा सकती है, वह भी तब जबकि हमारे यहाँ का लोकतंत्र द्विदलीय प्रणाली पर आधारित होता। यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर भी बहुत सारी पेचीदगियां बाकी हैं। इन्हें सुलझाए बगैर इस विचार का आगे बढ़ पाना भी मुश्किल ही दिखाई देता है। उस पर तुर्रा यह है कि कुछ लोग केवल इसलिए इस विचार का विरोध करने वाले हैं क्योंकि इसे सबसे सामने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है।
जैसे इस विचार की शुरुआत में ही कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मीडिया के माध्यम से दो टूक जवाब यह दे दिया है कि एक देश एक चुनाव के विचार से वह सहमत नहीं है और ना ही यह भारत देश के लिए व्यवहारिक है। लबे लुआब यह कि अभी एक देश एक चुनाव का मुद्दा औपचारिक रूप से सर्वदलीय बैठक में रखा ही नहीं गया, इसके पहले इसका विरोध शुरू हो चुका है। 7 न्यूज़ के लिए मोहनलाल मोदी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।